तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है यूरिनरी ब्लेडर। और जो यूरिनरी ब्लेडर का जो है, मैं एक्चुअली मैं आपको दो पार्ट्स में दिखाऊंगा। ये अपनी पार्ट वन वीडियो है। इस पार्ट वन वीडियो में अपन पूरा यूरिनरी ब्लेडर का फीचर देखेंगे, एक्सटर्नल फीचर देखेंगे, देन इसके अपन रिलेशन देखेंगे, उसके बाद इसका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई अपन देखेंगे। इस पार्ट वन वीडियो में मैं इसके इंटरनल फीचर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इंटरनल फीचर जो है मैं आपको इसकी पार्ट टू वीडियो में बताऊंगा। एक्चुअली में जो इंटरनल फीचर जो होते हैं आपके ब्लेडर के, इसके ऊपर यूनिवर्सिटी में अलग से आपका शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, इसलिए मैं उसको अलग से और डिटेल में आपका कवर करूंगा। अगर आपको उसका इंटरनल फीचर के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप पहले वो वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यूरिनरी ब्लेडर पे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी जाता है, इसलिए मैंने आपको पूरा ये अच्छे से डिटेल में कवर करा है। तो सबसे पहले अपन देखें, अपन सब जानते हैं कि यूरिनरी ब्लेडर होता क्या है। तो यूरिनरी ब्लेडर जो है, ये आपका मस्कुलर रिजर्वर है यूरिन का, मतलब इसके अंदर क्या होती है, यूरिन आपकी स्टोर रहती है। तो यूरिनरी ब्लेडर सबसे पहले क्या होता है, ये आपका एक मस्कुलर रिजर्वर है अपनी यूरिन का। उसके बाद अपन देखें लाए कहाँ पे होता है। तो यूरिनरी ब्लेडर जो है मेनली आपका जो पैल्वस कैविटी रहती है ना, उसमें इंटीरियर पार्ट में आपका होता है। फिर अपन देखें शेप, तो यूरिनरी ब्लेडर के जो है ना, कुल मिला के दो शेप होते हैं यार। अगर वो जब एम्प्टी होता है ना, तो इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। अगर तुम ये वाला बगल में डायग्राम देख रहे हो, तो इस डायग्राम में ये जो है आपका एम्प्टी यूरिनरी ब्लेडर है, तो इसका शेप है अपना टेट्राहेड्रल। बाकी जब वो फुल होता है, जब पूरा यूरिनरी ब्लेडर भरा होता है, तब उसका शेप होता है ओवॉइड। उसके बाद अपन देखते हैं इसका एक्सटर्नल फीचर। तो इसका एक्सटर्नल फीचर में अगर आपको बताऊं, तो जब वो एम्प्टी रहता है, मतलब जब उसका जो है शेप आपका रहता है टेट्राहेड्रल, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है एक एपेक्स। अगर इस डायग्राम में देखो तो आपको क्या इसमें दिख रहा होगा, इसका एक एपेक्स। तो ये जो है, ये है आपका यूरिनरी ब्लेडर का एपेक्स, ठीक है। देन उसका एक होता है बेस, तो पूरा जो एरिया है ये है उसका बेस। देन फिर आपका होता है एक नेक, मतलब जब यूरिनरी ब्लेडर आपका एम्प्टी होगा, तो उसके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है एपेक्स, फिर ये पूरा बेस जिसको अपन फंडस भी बोलते हैं, फिर एक होता है आपका नेक, ठीक है। और फिर इसकी कितनी सरफेस होती है, उसी में आपकी होती है तीन सरफेस। सबसे पहले ये सुपीरियर, ये पूरा सुपीरियर, देन ये वाला हाफ, इसको बोलेंगे राइट, उसके उस तरफ होगा लेफ्ट। तो राइट, लेफ्ट, लेटरल सरफेस। अगर मैं तुम्हें नीचे वाला डायग्राम दिखाऊं, तो इसमें क्या है, ये अपना सुपीरियर से अपन देख रहे हैं, तो आपको पूरा पूरा जो है राइट और लेफ्ट इन्फीरियर लेटरल सरफेस दिख रही होगी। अब आप बोलोगे उसको इन्फीरियर क्यों बोला, क्योंकि ये एक इन्फीरियर है। इन्फीरियर होने के साथ साथ ये लेटरल भी है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं इन्फीरियर लेटरल सरफेस। तो जब आपका जो यूरिनरी ब्लेडर जब आपका एम्प्टी होता है, तो उसमें होती है तीन सरफेस। एक सुपीरियर सरफेस जो आप ये देख पा रहे हो, उसके बाद राइट और लेफ्ट इन्फीरियर लेटरल सरफेस। और जब आपका यूरिनरी ब्लेडर एम्प्टी होता है, तभी इसकी होती है चार बॉर्डर। सबसे पहले दो कौन सी, अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा, दो इसकी हो जाती हैं लेटरल, राइट और लेफ्ट लेटरल। एक हो जाती है इसकी इंटीरियर, ये पूरी आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे भी एक है इंटीरियर, और एक होती है इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर। तो कुल मिला के इसके अंदर चार बॉर्डर होती हैं। तो ये अपन ने इसके एक्सटर्नल फीचर देखे जब यूरिनरी ब्लेडर आपका होता है एम्प्टी। लेकिन जब यूरिनरी ब्लेडर जब आपका फुल भरा हुआ रहता है, तब इसके अंदर जो रहते हैं ना, सिर्फ एक एपेक्स होगा, एक नेक होगा, और सिर्फ दो सरफेस होंगी, एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर। क्योंकि क्या होगा, जब जाहिर सी बात है, जब टेट्राहेड्रल होगा, तब इसके अंदर तुम्हारी तीन सरफेस होंगी, चार बॉर्डर होंगी। लेकिन जब वो फुली ओवर्ड शेप का हो जाएगा, जब ओवर्ड हो जाएगा, जब अंडाकार शेप का होगा, तो उसमें सिर्फ आपका एपेक्स होगा और नेक होगा, और सिर्फ दो ही सरफेस रहेंगी, इंटीरियर और पोस्टीरियर। तो ये मैंने आपको सारे के सारे इसके एक्सटर्नल फीचर बता दिए। देन फिर अपन इसकी बात करते हैं रिलेशन की। अब रिलेशन का कुछ ऐसा रहता है यार, कि यूरिनरी ब्लेडर जो है वो आपका रहता है पेल्विस में, और पेल्विस के अंदर मेल के अंदर अलग स्ट्रक्चर रहते हैं, फीमेल के अंदर जो है अलग स्ट्रक्चर रहते हैं। तो मेनली इसके रिलेशन तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए मैं तुम्हें इसका क्या 3D मॉडल दिखाता हूँ, तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके पूरे ये हैं आपके इंटरनल स्ट्रक्चर, तो ये पूरा है आपका यूरिनरी ब्लेडर। तो अगर आप फीमेल में देखो, तो मैं यूरिनरी ब्लेडर का मैं आपको रिलेशन बताऊँ, तो इसका जो एपेक्स रहता है ना यूरिनरी ब्लेडर का, उसके ऊपर एक लिगामेंट रहता है, जिसको अपन बोलते हैं मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, और बोथ सेक्सेस में, मेल में भी फीमेल में भी। अगर आप इस डायग्राम में देखो, तो आपको इसके एपेक्स पे ये एक लिगामेंट देखने को मिल रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। दोनों सेक्सेस में मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट होता ही उसके एपेक्स पे। लेकिन फिर अगर इसके अपन बेस की बात करें, अगर आप इस 3D मॉडल पे आओ, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं अपन बेस। तो इसका बेस में क्या होता है, फीमेल में
फीमेल का तो इसका बेस है, वो किसके रिलेशन में आ रहा है, ये क्या है, ये है अपना पूरा यूट्रस, और यूट्रस का ही नीचे कंटिन्यूएशन हो रहा है आपका वेजाइना। तो जो फीमेल में दो जो यूरिनरी ब्लैडर का जो बेस है वो आपके रिलेशन में आ रहा है यूट्रस के और वेजाइना में। और सारे मैंने टॉपिक जो है पेल्विस के मेरी चैनल पर कवर कर रहे हैं, अपर लेम, लोअर लेम और थॉरेक्स भी मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर तुम्हें इसकी वीडियो चाहिए तो तुम मेरे मेरे चैनल पर चले जाओ, आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। और मेरे चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें मैं पूरा पेल्विस और फिर एब्डोमेन भी लाने वाला हूँ। तो अपन जो सबको डिटेल में पढ़ते हैं, तो अपन ने क्या देखा, बेस के रिलेशन फीमेल में कहाँ होंगे, तो बेस के रिलेशन फीमेल में क्या होंगे, एक होगा आपका यूट्रस और एक होगी वेजाइना, अगर आप इस बारे में देख पा रहे हो। फिर अगर अपन मेल में देखें तो मुझे क्या मेल वाला डायग्राम खोलना पड़ेगा। तो ये आ गया मेल। अब इसमें मैं क्या फिल्टर करके वेन आर्टरी और नर्व हटा देता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। तो ये अपना पूरा मेल है, देन इसको अगर मैं हाइड करूँ बोन को तो आपको क्लियरली सारे रिलेशन इसके दिख पाएंगे। तो ये है इसका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। देन अगर आप इसमें देखो कि यूरिनरी ब्लैडर का ये जो है, जो फीमेल था, फीमेल में वो था एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर, इसलिए वो टेट्राहेड्रल शेप का था, लेकिन मेल में इसने फुल दिखाया है यूरिनरी ब्लैडर को, इसलिए ओवॉइड है शेप में कुछ इस तरीके से। तो दोनों आपने इसके शेप भी देख लिए। तो इसके बेस पे अगर अपन जाएं तो ये है इसका बेस। तो इसके बेस पे आपको सिर्फ तीन स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, एक आपका होता है अपर पार्ट, जो अपर पार्ट जो रहता है ना इसका बेस का, ये वाला सबसे पहले, ये क्या है, ये अपना रेक्टम से सेपरेट होता है, कैसे, रेक्टोवेसाइकल पाउच से। उसके बाद अगर अपन इसके लोअर पार्ट में देखें, बेस के ही लोअर पार्ट में, तो उसके बेस के लोअर पार्ट में आपको एक दिख रहा होगा सेमिनल वेसाइकल, ये दिख रही है दोनों साइड, तो आपकी होती हैं सेमिनल वेसाइकल्स। उसके बाद ये लिगामेंट हाइट करूँ आपको दिखेगा ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड, और ये है आपकी वासा डिफरेंशिया। एक्चुअली में क्या होता है, जो टेस्टिस है, टेस्टिस से आपकी डक्ट आती है, उसको बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। वो वासा डिफरेंशिया जो है वो आपकी सेमिनल वेसाइकल के साथ जुड़ जाती हैं और आपकी बना लेती हैं इजेकुलेटरी डक्ट, और इजेकुलेटरी डक्ट जो है फिर आपकी प्रोस्टेट के अंदर चली जाती हैं। और ये तीनों चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट है, अपना प्रेजेंट है लोअर पार्ट ऑफ बेस में। अगर मैं आपको ये वाला डायग्राम भी दिखाऊं तो आपको क्लियरली समझ पा रहा होगा, ये क्या है, ये अपना लोअर पार्ट ऑफ बेस का डायग्राम है। इसमें आपके ये क्या है, ये है अपना वासा डिफरेंशिया, ये है अपना सेमिनल वेसाइकल, और ये है अपना प्रोस्टेट ग्लैंड। तो बिल्कुल अच्छे से एक है, तो मैं अब 3D में इमेजिन हो गया होगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है इसके बेस में प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर अपन इसके नेक पे देखें, ये यहाँ पे अगर अपन जाए नेक में, तो नेक जो होता है ना वो यूरिनरी ब्लैडर का जो नेक है वो ये आपका सबसे ज़्यादा फिक्स पार्ट होता है ब्लैडर का। और उसमें मेल में क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर का जो नेक है वो आपका सराउंड होता है स्मूथ मसल से, उसके अलावा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से, उसके अलावा प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से। उसको अगर मैं समझाऊँ तो मैं आपको पहले ये वाली मसल हाइड करता हूँ। डक्ट दिख रही है, जो पिंक से जो पूरी डक्ट दिख रही है, ये है अपना यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा का वो वाला पार्ट जो कि अपनी प्रोस्टेटिक ग्लैंड के अंदर है, ये वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोल देते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो क्या होता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, ये है यूरिनरी ब्लैडर का नेक। तो यूरिनरी ब्लैडर का नेक जो है वो आपका सराउंड होता है, सबसे पहले किससे सराउंड होगा, वो आपका सराउंड होगा स्मूथ मसल से और आपकी प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से। ये आपका है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, उसके पहले, उसके प्री में जो एरिया दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन लिखी थी BDC में कि क्या होता है, जो प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो रहता है ना उसके अंदर पैरासिम्पेथेटिक नर्व नहीं होती। तो ये लाइन उसमें एज इट इज लिखी थी, तो मैंने भी इसमें आपको लिख दी, ये एक्चुअली में की लाइन है, ये आपको एज इट इज याद करनी है कि जो प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो रहता है ना वो आपका पैरासिम्पेथेटिक नर्व उसमें नहीं होती, वो डिवर्ड होता है। उसके बाद अगर मैं फीमेल पे जाऊँ तो नेक वाला एरिया जो फीमेल में रहता है ना वो आपका सिर्फ फीमेल फेशिया से आपका रिलेशन में होता है, क्योंकि फीमेल में जो है पेनिस तो अपना रहता नहीं है, तो पूरा का पूरा ये यूरेथ्रा जो है उसके अंदर उतना लॉन्ग होता नहीं है, तो सिर्फ आपके रिलेशन में आता है पेल्विक फेशिया से। तो इसके ये नेक के रिलेशन हो गए। देन अपन देखते हैं सुपीरियर सरफेस, मतलब ये वाला सरफेस जो होता है ना यूरिनरी ब्लैडर का ऊपर वाला, ये सुपीरियर सरफेस पे। तो सुपीरियर सरफेस पे क्या होता है, जो मेल है, मेल में जो यूरिनरी ब्लैडर का जो सुपीरियर सरफेस जो है वो आपका पेरिटोनियम से टोटली कवर होता है। अब आप बोलोगे पेरिटोनियम क्या है, तो जो पेरिटोनियम जो है ये एक्चुअली में आपकी सीरस मेम्ब्रेन होती है,
जो कि आपके पूरे एब्डोमिनल कैविटी को कवर करती है, एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन और पूरे एब्डोमिनल कैविटी को जो है एक सीरस मेम्ब्रेन कवर करती है, उसी को अपन बोल देते हैं पेरिटोनियम। जो पेरिटोनियम जो है इसके ऊपर अपन ने एब्डोमेन में बिल्कुल एक सेपरेट टॉपिक है, इसके ऊपर अपन बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, अभी आप सिर्फ सुन लो। वैसे मैंने आपको बता भी दिया पेरिटोनियम क्या होती है। पेरिटोनियम आपकी एक सीरस मेम्ब्रेन है जो कि आपके पूरे एब्डोमिनल कंटेन को कवर करती है। तो एब्डोमेन को, यहाँ पे आपका होगा एब्डोमेन, तो एब्डोमेन को वो कवर करती है। देन वो क्या करती है, एब्डोमेन से नीचे एक्सटेंड होकर आपके यूरिनरी ब्लेडर के सुपीरियर सरफेस को भी कवर करेगी। तो क्या होता है, मेल में जो सुपीरियर सरफेस जो रहती है वो आपकी कंप्लीटली पेरिटोनियम से कवर होती है, लेकिन फीमेल में ये जो पेरिटोनियम जो है ये आपका सुपीरियर सरफेस के बहुत सारे सरफेस में होगा, ग्रेटर पार्ट में होता है, एक्सेप्ट स्मॉल एरिया नियर पोस्टीरियर बॉर्डर। जो पोस्टीरियर बॉर्डर रहती है ना पीछे की साइड, सिर्फ वहाँ पे पेरिटोनियम नहीं होती, बाकी फीमेल में पूरे सुपीरियर एरिया में कवर होती है। देन फिर अपन देखते हैं इसके इन्फीरियो लेटरल सरफेस। अगर मैं आपको ये दिखाता हूँ, अब यहाँ से अपन करते हैं वापस से स्टार्ट। अब ये जो इन्फीरियो लेटरल सरफेस जो होती है, मतलब ये वाली, इस डायग्राम में भी दिखाऊँ, मतलब ये वाली इस डायग्राम में भी दिखाऊँ, तो ये वाला जो था ना अपने इस साइड की, ये इन्फीरियो लेटरल सरफेस। तो इन्फीरियो लेटरल सरफेस जो है वो डिवोर्ड ऑफ पेरिटोनियम, उसमें पेरिटोनियम नहीं रहती। अगर मैं आपको इस डायग्राम में अच्छे से क्लियर से बिक करके दिखाऊं, ये वाला एरिया ये आपके लेटरल साइड में है और इन्फीरियर भी है, तो उसको अपन बोलते हैं इन्फीरियर लेटरल सरफेस। तो जो इन्फीरियर लेटरल सरफेस, तो जो इन्फीरियर लेटरल सरफेस है वह आपकी डिवोर्ड ऑफ पेरिटोनियम होती है, उसमें पेरिटोनियम नहीं होती। मतलब यूरिनरी ब्लेडर में सिर्फ सुपीरियर वाला पार्ट रहता है ना, वहाँ तक ही पेरिटोनियम होती है, बाकी इसके लेटरल वाले पार्ट में पेरिटोनियम नहीं होती। बाकी मेल में इसके लेटरल में किसके रिलेशन में आ रहा है, अगर आप देखो ये कौन सी बोन है, ये अपनी पेल्विक बोन, और पेल्विक बोन का ये वाला पार्ट है आपका प्यूबिस। तो मेल में वो आपका लेटरल सरफेस आपके रिलेशन में आ रहा है प्यूबिस से, देन प्यूबियो प्रोस्टेटिक लिगामेंट से, एक लिगामेंट होता है इसी साइड रहता है। मैंने आपको अगर पूरी चीज़ शो करूँ तो आपको वो लिगामेंट भी दिखेगा, को हाइड करूं तो ये जो लिगामेंट दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट। और ये कहाँ पे है, ये अपना यूरिनरी ब्लेडर के लेटरल साइड में ही है। तो यूरिनरी ब्लेडर के लेटरल रिलेशन कौन बनाएगा मेल में, प्यूबिस, देन प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट। उसके बाद एक मसल भी होती है, जो आप ये वाली पूरी मसल तो देख रहे हो ना, सेपरेट करूं, इसको बोलते हैं लेवेटर एनआई मसल। तो ये लेवेटर एनआई मसल के भी आएगा रिलेशन में। उसके अलावा एक ऑब्टुरेटम इंटरनस मसल भी होती है, उसके भी रिलेशन में आता है। देन फीमेल में भी सेम टू सेम सारे के सारे यही रिलेशन होते हैं, एक्सेप्ट वहाँ पे प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट नहीं होता, क्योंकि अपन देखें फीमेल के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड तो होता नहीं है, अपन को ये बात पता है, इसलिए उसमें प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट भी नहीं होता। इसलिए जो स्ट्रक्चर मेल के इन्फीरियर लेटरल सर्फेस में थे, प्यूबिस, प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट, लेवेटर एनआई, ऑपरेटर इंटरनस, उसमें सिर्फ प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट को छोड़ के सेम टू सेम स्ट्रक्चर आपके फीमेल में भी प्रेजेंट होते हैं। देन फिर क्या, मैंने आपको सारे रिलेशन अच्छे से धीरे धीरे 3D मॉडल में बताया। और यार जब भी तुम रिलेशन वगैरह जब पढ़ते हो ना, तो मेनली क्या उसे इसी तरीके से पढ़ा करो कि अपना जो 3D मॉडल होता है ना ऐप में, वो तुम खोल लिया करो, सारी चीज़ें एक एक देखा करो, इमेजिन कर करके पढ़ा करो। क्योंकि क्या होता है, जितना तुम रिलेशन को समझ के पढ़ोगे बजाय रटने के, तुम्हें और लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, और उसको पढ़ने में इंटरेस्ट तभी आता है जब 3D मॉडल खुला हो ना, तो आपको अच्छे से आप पढ़ पाओगे। तो आप अपन इसके देखते हैं मेनली लिगामेंट कौन कौन से इसमें लिगामेंट होते हैं। तो कुल मिला के इसके अंदर जो है अपन को दो लिगामेंट देखने हैं, एक ट्रू लिगामेंट और एक फॉल्स लिगामेंट। और यूरिनरी ब्लेडर में आप बोलोगे लिगामेंट होते क्यों हैं, एक्चुअली में यूरिनरी ब्लेडर को एक प्लेस में रखने के लिए, ताकि वो हिले नहीं अपनी पेल्विस कैविटी में, यहाँ पे कुछ आपके लिगामेंट रहते हैं। अब जो ट्रू लिगामेंट जो है, ये एक्चुअली में आपके कंडेंसेशन ऑफ पेल्विस फेशिया, जो पेल्विक फेशिया जो होती है ना, उसी के कंडेंसेशन से आपके बनते हैं ट्रू लिगामेंट। और बस आप होगा नाम या नाम याद होने चाहिए कौन कौन से इसमें लिगामेंट होते हैं। और जो फॉल्स लिगामेंट है, एक्चुअली में आपका जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो मैंने बताई थी ना, उसी पेरिटोनियल के फोल्ड से आपके बनते हैं फॉल्स लिगामेंट, मतलब कि ये कोई ट्रू लिगामेंट नहीं है। तो ट्रू लिगामेंट जो है, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। उसके लिए अगर आप ये वाला डायग्राम देखो, ये अपना BDC का ही डायग्राम है, मैंने उससे बनाया है। तो सबसे पहले एक लिगामेंट रहता है, उसको अपन बोलते हैं मीडियन अम्लाइकल लिगामेंट। आपको अगर मैं डायग्राम दिखाऊं, तो मैंने आपको बताया भी था
कि यूरिनरी ब्लेडर के एपेक्स पे एक लिगामेंट होता है, उसको अपन बोलते हैं मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। यहाँ पे तीन और लिगामेंट हैं और उसके नाम बहुत ही इजी होते हैं याद करने के लिए, जहाँ वो प्लेस्ड हैं वहीं पे इसके नाम हैं। जैसे कि पोस्टीरियर में है तो इसे अपन बोलेंगे पोस्टीरियर लिगामेंट, देने लेटरल में है तो अपन बोलेंगे लेटरल लिगामेंट, देने मीडियल में है तो अपन बोलेंगे इसको मीडियल लिगामेंट। अगर आप इसमें देख पा रहे हो किसका पोस्टीरियर लिगामेंट जो है, इसमें आपका वीनस प्लेक्सिस भी होता है, मतलब एक पूरे वेन का प्लेक्सिस भी होता है, तो इसलिए पोस्टीरियर लिगामेंट अच्छे से याद कर लेना कि यूरिनरी ब्लेडर के पोस्टीरियर लिगामेंट में अपना वीनस प्लेक्सिस भी होता है, देन इसमें एक लेटरल लिगामेंट है। उसके अलावा ये जो मीडियल लिगामेंट है ये फीमेल में अपन इसको बोलते हैं प्यूबोवेसाइकल लिगामेंट, वहीं मेल में अपन इसको बोलेंगे प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट। और मेनली ये जो डायग्राम है ना ये अपना फीमेल का डायग्राम है, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये अपना इंटीरियर में क्या प्रेजेंट है, ये अपना प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लेडर, फीमेल से तो ये है सर्वक्स ऑफ यूट्रस, ये है आपका रेक्टम। और सारे मैंने आपको तीनों मेन ट्रू लिगामेंट इसके बता दिए। तो यहाँ भी अगर अपन देखें तो ट्रू लिगामेंट में कौन कौन से हैं, एक है लेटरल ट्रू लिगामेंट, दूसरा मीडियल में मेल में है प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट जो कि अपने 3D मॉडल में भी देखा था, वही फीमेल में आपका है प्यूबोवेसाइकल लिगामेंट, उसके अलावा मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट है, फिर एक पोस्टीरियर लिगामेंट भी है जिसके अंदर पूरा आपका वीनस प्लेक्सिस होता है, देन फॉल्स लिगामेंट क्या है वो एक्चुअली में आपका पेरिटोनियल की ही फोल्ड है। देन यहाँ पे चार फॉल्स लिगामेंट है, एक है मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड, तुम यहाँ देखो तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है फोल्ड है, यहाँ पे मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट था, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होना जब तुम इसके PG वगैरह का एग्जाम करो ना, क्वेश्चन करो ना MCQ, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे फोल्ड है और ये लिगामेंट लिखा है, दोनों अलग चीज़ हैं। तो मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड, देन मीडियल अम्बिलिकल, देन मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड, देन मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड, फिर लेटरल फॉल्स लिगामेंट, यहाँ पर अपन ने क्या देखा था लेटरल ट्रू लिगामेंट, इधर अपन देख रहे हैं लेटरल फॉल्स लिगामेंट, देन यहाँ पे है पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट, यहाँ पर अपन ने ट्रू देखा था पोस्टीरियर ट्रू लिगामेंट। बस मतलब जैसे एज इट इज जो ट्रू लिगामेंट है ना, अगर तुम्हें उसके सारे नाम याद है ना तो वही आप फॉल्स में लिख देना, बस यहाँ पे तुम क्या करना फोल्ड की जगह तुम लगा देना, यहाँ पे तुम क्या करना लिगामेंट की जगह तुम लगा देना फोल्ड, और वहीं लेटरल और पोस्टीरियर में तुम जोड़ देना फॉल्स फॉल्स लिगामेंट ट्रू की जगह। देन फिर अपन देखते हैं इसकी आर्टरी सप्लाई पे, तो ये जो आर्टरी सप्लाई जो है ना मेन मेन कौन कौन सी आर्टरी होती हैं, एक्चुअली में जो यूरिनरी ब्लेडर जो है ना उसको अपन वेसाइकल भी बोलते हैं, इसलिए यूरिनरी ब्लेडर की मेन आर्टरी होती हैं सुपीरियर और इन्फीरियर वेसाइकुलर वेसाइकल आर्टरी, ये दोनों। अभी जो इन्फीरियर सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी जो है ये दोनों आपकी ब्रांच होती हैं इंटरनल इलियक आर्टरी की, तो मैंने आपकी मेन ब्रांच बता दी। देन इन इन आर्टरी के अलावा एडिशनल में भी दो और आर्टरीज को सप्लाई करती हैं, एक है ऑब्टुरेटर आर्टरी और दूसरी है इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, जो अपनी मसल रहती है ना ग्लूटियल मैक्सिमस मसल उसके लिए आर्टरी होती है इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, और ये दोनों की दोनों ब्रांच होती हैं इंटरनल इलियक आर्टरी की ही, तो मैंने इसका आपका आर्टरी बता दिया। देन अगर वीनस डेनस देखें तो यूरिनरी ब्लेडर के अपन ने देखा था ना जो पोस्टीरियर लिगामेंट होता है यूरिनरी ब्लेडर का, उसके अंदर एक अपना प्लेक्सिस था वीनस प्लेक्सिस, तो यही वीनस प्लेक्सिस जो है पूरा आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना यूरिनरी ब्लेडर से कैरी करता है, और किस में ड्रेन कर देता है अपना ड्रेन कर देता है इंटरनल इलियक आर्टरी में। तो अपन इसके लास्ट में देखेंगे इसके सारे नर्व सप्लाई। तो यार नर्व सप्लाई देखने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने मेरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वीडियो अगर नहीं देखी है तो सबसे पहले जाओ मेरी वो वाली वीडियो तुम देख लो, क्योंकि मैंने उसमें क्या सेपरेट पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तुम्हें अच्छे से समझाया है, तो क्या होगा तुम्हें सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि सारे के सारे जो ऑर्गन होते हैं वो मेनली आपके सप्लाई होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, ठीक है ना। मतलब नर्वस सिस्टम किस में डिवाइड है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है, दूसरा है अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो था, एक सोमेटिक और एक ऑटोनॉमिक। सोमेटिक में मेनली सारे वॉलेंट्री को देता है वो, सोमेटिक में मतलब मसल वगैरह उसको बोलते हैं सोमेटिक नर्व, और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो आपको मेनली होता है इनवॉलेंट्री, और इनवॉलेंट्री अपने बॉडी में है ऑर्गन तो मेनली ऑर्गन को सप्लाई करता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है दो नर्व से सप्लाई होता है एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिंपैथेटिक। तो यूरिनरी ब्लेडर में आपको जो है ना तीनों नर्व मिलेंगी, एक ऑटोनॉमिक और एक सोमेटिक भी,
तो इसके जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है जिसमें पैरासिम्पथेटिक है वो आपकी कहाँ से आ रही हैं, वो आपके आ रही हैं S2, S3 और S4 से। और ये जो है ना ये अपनी मोटर है, ये जो अपनी जो डेट्रोस मसल जो रहती है ना यूरिनरी ब्लेडर पे, उसके लिए वो आपका डायरेक्ट मोटर वो होती है। देन जो सिंपथेटिक जो इसके फाइबर हैं वो आपके एल वो आपके T11 से L2 तक आ रहे हैं, वो मेनली आपकी इनिबेटर होती हैं डाटोस मसल के लिए, डेट्रोस मसल के लिए। और फिर अपन देखें सोमेटिक, तो इसके अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अलावा इसके जो स्पिंटर रहते हैं ना उसके स्पिंटर को एक सोमेटिक नर्व भी सप्लाई करेगी, वो है अपनी सोमेटिक प्यूडेंडल नर्व, वो सप्लाई करेगी अपनी स्पिंटर को जो कि वॉलेंट्री है। और सारे के सारे यार कंसेप्ट समझने के लिए कि सोमेटिक कौन कौन सी होती हैं, ऑटोनॉमिक में दो क्यों हैं, सिंपथेटिक पैरासिम्पथेटिक, तो मेरी वो एक वीडियो देख लो जिसमें मैंने पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करा है, लिंक तुम्हें क्या आई बटन पर मिल जाएगी, तो तुम्हारे सारे कंसेप्ट एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगे उससे, ठीक है। और फिर इसकी जो सेंसरी जो नर्व है, मतलब मेनली क्या होता है इसमें सेंसरी भी एक नर्व होती है जो कि आपका पेन सेंसेशन कैरी करेगी यूरिनरी ब्लेडर का, वो जो है वो कैरी आउट बाय पैरासिम्पथेटिक नर्व, मतलब जो पैरासिम्पथेटिक नर्व है ना वही यूरिनरी ब्लेडर के लिए सेंसरी नर्व का भी काम करेगा जो कि पेन सेंसेशन मेनली आपका कैरी करके ले जाएगा। और इसका जो इंटरनल वाला जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि जो इंटरनल ऑफ यूरिनरी ब्लेडर जो उसका लास्ट सेगमेंट होता है, इसको ना मैं तुम्हें अलग से Part 2 वीडियो में बताऊंगा, तो उसको देखने के लिए तुम लिंक तुम आई बटन में मिल जाएगी। तो अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो खुद किस तरीके से तुम यूनिवर्सिटी में लिख के आओगे। तो मेनली यार जो यूरिनरी ब्लेडर जो है इसमें बहुत कम चांसेस हैं कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आए, मेनली इसके इंटरनल ऑफ ब्लेडर से ही आता है, मैं फिर से आपको बता दूं, उसकी वीडियो तुम देख सकते हो। लेकिन अगर कभी वो बाय चांस आ गया लॉन्ग पे, तो जैसे सीक्वेंस में मैं तुम्हें मेरे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ना उसी सीक्वेंस में लिखना है, क्योंकि ये बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट है तुम्हारे लिए। पहले तुम डायरेक्ट फीचर लिखना और सारे इसके फीचर वाले स्ट्रक्चर डाल देना, मतलब मेन होता है तुम उसको पैराग्राफ में ना लिख के तुम पॉइंट में और हेडिंग में लिखो, तुम्हें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर यही देखता है तुम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो मेरे तो पहले हेडिंग डालना यूरिनरी ब्लेडर, फिर तुम फीचर कैरिंग डाल के इसके सारे पॉइंट लिखना, देन एक्सटर्नल फीचर लिखना, फिर एमटी के सारे एक्सटर्नल फीचर लिखोगे, देन फुल में सारे लिखना, फिर इसके रिलेशन कैरिंग डाल के सारे रिलेशन लिखना है इसके, एपेक्स के, बेस के, नेक के, सुपीरियर सरफेस के, फिर इन्फीरियर सरफेस के भी लिखना तुम। उसके बाद तुम लिखना लिगामेंट, और मेनली सारे लिगामेंट के नाम लिख देना। देन लिगामेंट के बाद फिर तुम ये लिखोगे इंटीरियर ऑफ ब्लेडर पूरा, जो कि मैं तुम्हें Part 2 वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। फिर तुम इसका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और आर्टरी सप्लाई लिख देना, लेकिन ये यूनिवर्सिटी में लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत कम चांसेस आने का, मेनली यही आता है इसका शॉर्ट नोट, तो लिंक तुम्हारे बटन में मिल जाएगा, देख लो। और अगर तुम्हारी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को करो लाइक, और तुम मेरे चैनल को यार अच्छे से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं सारे के सारे इसमें जो है वीडियो लाने वाला हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।